सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फांग यू जिंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी दादी माँ से कह रहा होता है, दादी वो दुकान कहाँ है और उस दुकान का नाम क्या है, आप मुझे बताइए, मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। उसकी बातें सुनते हुए उसकी दादी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे कह रही होती है उसे जियाओ ताओ क्यूआई पेट स्टोर कहा जाता है। तो उसकी बातें सुनते हुए फांग यू जिंग और उसी के साथ साथ वहाँ पे सभी लोग उसी पेट स्टोर के सामने चले जाते हैं और फांग यू जिन पेट स्टोर में जाते हुए सुपिंग से कह रहा होता है, तुमने उस खाने में क्या मिलाया था, आखिर तुम मुझे बोलो आखिर वो खाना कैसा था। तो उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कहने लगता है, क्या वो पालतू खाना, मैंने अभी तक एक ही सेट बेचा है और वो शायद मैंने किसी बूढ़ी औरत को बेचा था, शायद ये वही रॉक बेर मिलियन फल के बारे में बात कर रहे हैं। आखिर ये बंदा यहाँ पे किस लिए आया है, क्या उस नेचरलैंड के पेट फूड में कोई प्रॉब्लम है। और ये कहते हैं वो उस बंदे से कह रहा होता है, डियर कस्टमर हमारे यहाँ का पालतू फूड वो एकदम प्योर है और यहाँ पे कोई भी केमिकल नहीं बनाया गया है, क्या रेड बर्मिलियन बर्ड का ऐसे खाने के बाद क्या उस पर कोई रिएक्शन हुआ है। तो उसकी बात सुनते हुए फांग यू जिंग काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए उससे कह रहा होता है, क्या तुमने अभी क्या कहा, क्या तुमने उस पर कोई भी केमिकल नहीं मिलाया है, अगर ऐसा नहीं है तो वो बिस्ट बिना किसी हिचकिचाहट के नॉन स्टॉप वो पेट फूड कैसे खा रहा है, बेहतर होगा कि आप मुझे सब कुछ सच बता दीजिए, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो उसकी बात सुनते हुए वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लोग आपस में कह रहे होते हैं, हाँ मुझे पहले से पता था कि इस स्टोर में कोई प्रॉब्लम है, आखिर ऐसा कैसे हो सका है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ ऐसा ही है क्योंकि पिछली बार जब मैंने यहाँ पे आया था तब यहाँ पे मैंने बहुत सारी गंदगी देखी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा प्राइस में सब कुछ बेच रहे हैं। फांग यू जिंग की बहन उससे कह रही होती है, ब्रदर उससे बात करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, इस ब्लैक स्टोर की जांच करने के लिए पेट फूड एसोसिएशन को कॉल करो। तो उसकी बात सुनते हुए सुपिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कह रहा होता है, तुमने मेरे स्टोर को ब्लैक स्टोर कैसे कहा, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग तो केवल बातें कर रहे हो लेकिन वो सबूत वो कहा है, किसी को बेवजह फंसाने से पहले उसे सबूत दिखाओ। और ये कहते वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उसकी ऑरा भी निकल रही होती है, जिसे देखते हुए वो जो लड़की होती है वो नीचे गिर जाती है और काफी ज्यादा डर जाती है और अपने मन में कह रही होती है, आखिर इस आदमी के साथ क्या हुआ है, इसकी ऑरा अचानक इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे हो गई है, ये मुझे डरा रही है। तो उसे ऐसा करते हुए देख फांग यू जिंग बहुत ही गुस्सा होते हुए सुपिंग पर अटैक कर देता है और उसे कह रहा होता है, मेरी छोटी बहन को छूने की हिम्मत मत करना नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कहते वो उसका गला पकड़ लेता है और उससे कह रहा होता है, क्या तुम मौत की तलाश कर रहे हो, अब लगता है तुम मरने वाले हो। और जैसे ही वो उसे छूता है वैसे ही सुपिंग अपना पावर एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से फांग यू जिंग का हाथ वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्ला रहा होता है और अपने उनमें कह रहा होता है, आखिर ये व्यक्ति ये कौन है, इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है। तभी अचानक से सुपिंग के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे एक पोस्ट टेम्पररी रिमिशन दिया जाता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि इस स्टोर के फूड्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई इसमें केमिकल मिला हुआ है, तो इसकी प्रोटेक्ट करने के लिए और स्टोर की रेपुटेशन बचाने के लिए तुम्हें अपने आप को डैमेज नहीं होने देना है। तभी वो जो दूसरे लोग होते हैं वो आपस में कहने लगते हैं, आखिर इसने हमें कुछ भी नहीं बताया, ये तो काफी ज्यादा अजीब है और इसने हम पर अटैक भी किया। तो दूसरे लोग कह रहे होते हैं, चलो अब यहाँ से चलते हैं, ये तो काफी ज्यादा बेकार है, हम इस स्टोर में कभी भी नहीं आएंगे। जिसे देखते हुए सुपिंग अपने उनमें कह रहा होता है, अगर मैं इन्हें नहीं समझाऊंगा तो ये लोग यहाँ से चले जाएंगे और इसकी वजह से न केवल मेरे पॉइंट काटे जाएंगे बल्कि मेरे कस्टमर भी इससे अफेक्ट होंगे। और वो शांत होते हुए कह रहा होता है, सबसे पहले मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पेट स्टोर के फूड्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे स्टोर पर हर कोई शक कर रहा है, तो इसलिए मैं तुमको सबूत दिखाना चाहता हूँ। जिसकी बात सुनते हुए वहाँ के लोग कह रहे होते हैं, क्या आखिर ये क्या दिखाने वाला है, ये तो पहले ही एक्सपोज हो चुका है ब्लैक स्टोर के नाम से। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, जल्दी से ये दुकान बंद करो, और सभी लोग दुकान बंद करो का नारा लगा रहे होते हैं। उनकी बात सुनते हुए सुपिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सभी शांत हो जाओ। जिसकी बात सुनते हुए सभी लोग शांत हो जाते हैं। सुपिंग ब्लू एसेस फ्रूट निकालते हुए कह रहा होता है, क्या किसी के पास यहाँ पे लो रैंक वाटर एट्रीब्यूट का पेट है, तो वो लड़की कह रही होती है, हाँ ये मेरे पास है। और ये कहते वो अपने पेट को समन करती है जो कि एक सील वाटर बीस्ट होता है और ये एक वाटर एट्रीब्यूट पेट होता है, जिसे देखते हुए सुपिंग उसके पास बढ़ रहा होता है। उसे देखते हुए फांग यू जिंग उसके सामने आ जाता है और उससे कह रहा होता है, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी सुपिंग नीचे झुके हुए वो खाने को उस पेट के सामने रखे हुए कह रहा होता है, ये ब्लू एंसेस फ्रूट है, चाहे अगर इसमें कोई भी घटिया से केमिकल मिला हुआ हो हम इसे खिलाने के बाद बताएंगे। और ये कहते ही वो उस पेट को वो खाना यानी कि वो फ्रूट खिला देता है। उसे देखते हुए वहाँ पे जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो लोग आपस में कह रहे होते हैं, क्या ब्लू एसेस फ्रूट, क्या तुमने इसके बारे में कभी सुना है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, ये तो सुपर बैंक पेट स्टोर द्वारा बेचे जाने वाले ब्लू स्किन फ्रूट जैसा लगता है, लेकिन ये तो पेट्स का कब्ज का इलाज करने के लिए है, ये तो कितना फालतू सा है। तभी हम देखते हैं कि वो जो वाटर पेट होता है उससे एक रोशनी से चमकने लगी है और उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि देखते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं। वो जो लड़की होती है वो अपने उनमें कह रही होती है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये लाइटनिंग कैसी है। तभी हम देखते हैं कि वो जो वाटर पेट होता है उसका लेवल अप हो जाता है, जिसे देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है, ब्लू एसेंस फ्रूट ये एक कम
रैंक वाले वाटर एट्रीब्यूट पेट को एक लेवल बढ़ा सका है। और इसे देख के ऐसा लगता है कि नेचरलैंड का पेट फूड ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। लेकिन इसके लेवल तो बढ़ गए, लेकिन इसके कॉम्बैट एबिलिटी वो सिर्फ आधी ही बढ़ी। और हमें बताया जाता है कि जैसे जैसे स्टार पेट का लेवल बढ़ता है वैसे ही ये कुछ कॉम्बैट एबिलिटी इंक्रीज करती है, और कॉम्बैट एबिलिटी जितनी कम इंक्रीज होगी उतनी ही उसकी क्वालिटी भी कम होगी। और अगर इसकी कॉम्बैट एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़े तो उसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा होगी। और उसे ऐसे लेवल अप होते हुए देख वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जिसमें से एक आदमी कह रहा होता है क्या ये लेवल अप हो चुका है, क्या अब लेवल अप करना इतना आसान हो चुका है। इसकी बातें सुनते हुए फांग यूजिंग वो अपने उनमें कहने लगता है क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक सील वाटर बीस्ट बिना किसी दिक्कत के इतनी इजीली लेवल अप हो चुकी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। एक ट्रीजर जो कि स्टार पेट के लेवल को ऊपर ले जाने में सक्षम है, मैंने इससे पहले केवल ये सुना है कि ये फेडरल पॉइनियर वार स्टोरेज में अपग्रेड हुई थी। अगर ऐसा ही है तो इस स्टोर के बॉस की बैकग्राउंड स्टोरी काफी ज्यादा डरावनी होगी। तभी वो जो लड़की होती है वो अपने पेट के पास आते हुए कह रही होती है क्या ये सच में लेवल अप हो चुका है, क्या आपने इसे स्वैप किया। तभी वो जो फांग यूजिंग होता है वो सुपिंग से माफी मांगते हुए कह रहा होता है माफ करना हमने आपके साथ गलत किया है, और ये कहते हैं वो अपने बहन का भी सर झुका देता है। और दोनों ही सुपिंग से माफी मांग रहे होते हैं, तो उनकी ये बकवास देखते हुए सुपिंग उन दोनों से कह रहा होता है तुम्हें एक फ्रूट के लिए 8700 देने पड़ेंगे और इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं है। उसकी बातें सुनते हुए वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे फांग यूजिंग उसे कह रहा होता है जरूर जाओ यू मेरी बहन जल्दी से पे कर देगी। और वो अपने उनमें कह रहा होता है एक ट्रीजर जो कि पेट को लेवल अप कर सकता है वो भी 8700 ईएन में, तो ये इसके लिए वर्थ इट है और हाँ हम इसे सस्ता कह सकते हैं। तो उनकी ये बातें सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है ये कीमत अभी भी कम है, मैंने इसको कलेक्ट करने के लिए अपने जान तक जोखिम में डाल दी है, फिर भी ये इतना सस्ता क्यों है। और ये कहते हैं वो सिस्टम से कह रहा होता है सिस्टम क्या हम इसका कीमत वास्तव में नहीं बढ़ा सकते, तो सिस्टम कह रहा होता है ये कीमत वाजिब है तो इसलिए इसका कीमत बदला नहीं जा सकता। तो ये सुनते हुए सुपिंग का मुंह लटक जाता है और वो फांग यूजिंग से कह रहा होता है तुम्हारे सिस्टर की सी वाटर बीस्ट की क्वालिटी ये काफी ज्यादा कम है, इसे 7 कलर्ड बुद्धा हार्ट लीफ को कंज्यूम करने की जरूरत है जिससे कि ये इंक्रीज हो जाएगी, और उसी के साथ साथ रेड वर्मिलियन बर्ड को रॉक वर्मिलियन फ्रूट खाने की जरूरत है जिससे कि वो रिकवर हो जाएगा, तो इसलिए मैं तुम लोगों को और ज्यादा खरीदने के लिए कहूंगा। तो ये सुनते हुए फांग यूजिंग अपनी बहन से कह रहा होता है ठीक है जाओ यू जल्दी से इसका पे कर दो। तो ये सब देखते हुए बाकी के लोग भी कह रहे होते हैं ये वास्तव में काफी ज्यादा प्रभावी है, लेकिन ये इतना सस्ता कैसे है। तभी एक बंदा कह रहा होता है इतना सस्ता अगर लेवल अप कर सकते हैं तो ये इसके लायक है, तो इसलिए स्टोर के मालिक हमें भी कुछ दीजिए हम भी खरीदना चाहते हैं। तो ये सुनते हुए बाकी लोग भी कह रहे होते हैं कि हमें भी खरीदना चाहिए, और बाकी सभी लोग ये खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और उन सबको कह रहा होता है ठीक है धीरे धीरे आओ। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।